बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दोशीज़ किचन। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो चले आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज की रेसिपी में हम कुछ डिफरेंट सा बनाने वाले हैं। फ्रेंच फ्राइज के साथ हम कुछ सैलेड बनाएंगे, हेल्दी होगा। अफ्तारी में बहुत हेल्दी डिश है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो भी मैं बनाती हूँ, बना के मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दिया करें और बेल का बटन दबा दिया करें ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल सके। आलू मैंने काट के चिप्स के लिए रख लिए हुए हैं, इनको मैंने पानी में डाल के रख लिया। इनको अब हम फ्राई करेंगे और वापस आते हैं। जो चीज़ें हम अपने सैलेड में यूज़ करने वाले हैं उसमें हम पीस डालेंगे, एप्पल भी यूज़ करेंगे उसमें। अच्छा सा मिक्स सा हेल्दी सा सैलेड बनाने वाले हम। कैरेट है, ऑलिव्स हैं, स्वीट कॉर्न है, चिक पीस है, सैलेड लीव्स हैं मेरे पास, बीन्स हैं, मिंट है, चिकन है मेरे पास। बॉइल करके मैंने एक टेबल स्पून ऑयल के साथ मैंने इसको फ्राई कर लिया हुआ है। फ्रेंच फ्राइज जो है मैंने बना के रख लिए हैं। चले आए हम अपना सैलेड रेडी करते हैं। चले सैलेड के लिए ड्रेसिंग क्या कर लेते हैं। इसके लिए हम 2 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे, उसमें हम लेमन डालेंगे 1 टेबल स्पून मैंने लिया तकरीबन, थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करेंगे तकरीबन 1 टी स्पून, रेड चिली सॉस ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून, हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे, मिक्स हर्ब्स डालेंगे 1 टी स्पून के करीब, थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ड्रेसिंग हमने डाल दी इसमें, उसके बाद ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। मैंने मिंट लीव्स ली है, इसके अलावा आपके पास जो भी आपको ग्रीन पत्तों वाली मिल जाए वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो आपका टेस्ट है उस हिसाब से आप इसमें सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा अफ्तारी के लिए स्पेशली बहुत अच्छा सैलेड है। थोड़ा सा ऑयल हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे शाइनिंग के लिए। तो फ्रेंड ये हमारा सैलेड रेडी है। तो फ्रेंड ये थी हमारी आज की रेसिपी, हेल्दी सैलेड विद फ्रेंच फ्राइज। इसमें हमने फ्रूट भी यूज़ किया, मिक्स करके उसको दिया। और सबसे बड़ी बात, हाइजेनिक तरीके से बना हुआ है, घर में बना हुआ है, बच्चों को ज़रूर बना के दीजिए। तो चलें फिर मुझे इजाज़त दें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन भी आप प्रेस कर दें ताकि जो भी रेसिपी है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।